हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट जो आज ही बीपीएसएससी ने जारी किया है, ठीक है, यानी कि बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन में पोस्ट रिलीज हुई है। आज ही पोस्ट का नेम है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। अब बात करते हैं हम इसमें इंपॉर्टेंट डेट की, यानी कि इसका जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा वो होगा 13 अगस्त 2020 से, और लास्ट डेट की बात करें तो 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, 16 सितंबर 2020। और एग्जाम की जो पेमेंट होगी यानी कि जो फी पेमेंट है वो भी 16 सितंबर 2020 तक हो जानी चाहिए। एंड बात करते हैं हम एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी जो है जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 700 रुपये है, जबकि एससी और एसटी के लिए 400 रुपये हैं। अब बात करें हम जो पेमेंट होगा वो नेट बैंकिंग के थ्रू होगा, या तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के से कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से करते हैं। अगर आप ऑफलाइन मोड से करना चाहते हैं तो ई चालान के थ्रू आप बैंक पे कर सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करें तो 1/8/2020 यानी कि 1 अगस्त 2020 को जो आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 ईयर। एंड मैक्सिमम एज की बात करें तो 42 ईयर मेल कैंडिडेट के लिए है यानी कि पुरुषों के लिए है, एंड 45 ईयर जो है फीमेल कैंडिडेट यानी कि महिलाओं के लिए है। और अब बात करते हैं हम टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट जो है दोस्तों यहाँ पर है 43 पोस्ट हैं। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर डिग्री इन साइंस विद एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल पैथोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स या फिर बीसीए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने क्या ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ये इसकी एलिजिबिलिटी थी। अब बात करते हैं हम कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट डिटेल। अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट आपको बताएं 43 है, एंड जनरल की बात करें तो 25 पोस्ट जनरल के लिए है, बैकवर्ड कास्ट के लिए 1 पोस्ट, ईबीसी के लिए 0, 9 पोस्ट यानी कि 9 पोस्ट है, बीसी यानी कि फीमेल के लिए, बैकवर्ड कास्ट फीमेल के लिए 2 है, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, एससी के लिए 1 एंड एसटी के लिए भी 1। तो यहां पर जो टोटल पोस्ट हो गई 43 हो गई। और जब आप इसका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके लिए यहां पर फिजिकल एलिजिबिलिटी भी होना जरूरी है, यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या हाइट होनी चाहिए। हाइट होनी चाहिए मेल के लिए 163 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और बात करें चेस्ट, तो यहां पर मेल के लिए है 79 से 84 और फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और वॉकिंग की बात करें तो जो मेल पर्सन है यानी कि पुरुषों को 25 किलोमीटर जाना है 4 घंटे में, जबकि महिलाओं को जाना है 14 किलोमीटर 4 घंटे में। तो ये थी इसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।